आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वंडर शेयर फिल्मोरा के अंदर रिवर्स वीडियो कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये देखिए मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, ये मैंने प्ले किया, ये देखिए चल रहा है, देख सकते हैं, ये आगे की तरफ देख सकते हैं ट्रैक्टर जा रहा है, देखिए दिखा, अब देखिएगा रिवर्स होगा, देखिए कैसे, ये देखिए रिवर्स हो रहा है, देख सकते हैं ये उल्टा तरफ जा रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए इसी को कहते हैं हम लोग रिवर्स वीडियो। अभी कैसे बनाते हैं फिल्मोरा के अंदर, बहुत सिंपल और इजी तरीका है। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल मैं वंडर शेयर फिल्मोरा का जो वर्सन है वो है 10.1.20.15 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तरीका सबका सेम टू सेम है, ये ऑप्शन सब में अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको टाइमलाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको भी क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीडिया का पैनल है वहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे ला के रखा है। अब इस वीडियो का मुझे रिवर्स वीडियो बनाना है, तो वीडियो लाते कैसे, यहाँ पे दो तरीका है, या तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी इंपोर्ट करके ला सकते हैं, दूसरा तरीका है यहाँ फाइल में जाएं, जाके यहाँ पे भी देखिए इंपोर्ट मीडिया, यहाँ से भी आप लेकर आ सकते हैं। तो मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पे ला के रख दिया है। इस वीडियो को क्या करना है, ये जो नीचे आपको टाइमलाइन दिखाई दे रहा है ये वीडियो का ट्रैक है, देख सकते हैं, अब इस पर ला के रखना है। तो यहाँ पर ड्रैग करके मैं इस वीडियो को ला के यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए मैंने वीडियो को यहाँ पर रख दिया। अब जैसे ही मैंने वीडियो को यहाँ पर रखा है, अब यहाँ पे आपका ये व्यूअर विंडो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को प्ले करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे प्ले किया वीडियो को, ये देखिए मेरा वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे टोटो जा रहा है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक, यहाँ पे देख सकते जा रहा है, बाइक जा रहा है, देख सकते हैं ये आगे, ये देखिए ट्रैक्टर जा रहा है। अब इस वीडियो का मुझे रिवर्स बनाना है, देख लीजिए, अभी मान लेते हैं यहाँ तक मुझे इसको रिवर्स बनाना है, तो और बाकी का ये हिस्सा मुझे नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, जिस जगह तक आपको रखना है, जैसे यहाँ से लेकर आपका स्टार्टिंग से यहाँ तक मुझे बनाना है, तो इस जगह को काट के हटा देना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी सीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे कट गया। अब इस पोर्शन को क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये जो वीडियो है आपका यहाँ पर, अब इसके साथ साउंड भी है, देख सकते हैं रिवर्स। तो जब भी हम लोग रिवर्स वीडियो बनाते हैं उसमें साउंड हम लोग हटा देते हैं, जैसे इसमें देखिए साउंड है ऑलरेडी, नीचे का ट्रैक में आपको साउंड का वेव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका एक और कॉपी मैं बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वो समझाने के लिए मैंने कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए सेम ये जो क्लिप है, सेम उसी का क्लिप यहाँ पे रख दिया है मैंने, ये आपका सीधा स्ट्रेट है वीडियो, देख सकते हैं ये सीधा चल रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए वीडियो चल रहा है, आगे की ओर जा रहा है। अब इस जो बाकी का ये सेकेंड वाला जो क्लिप है, इसका मुझे रिवर्स बनाना है, तो इसका मैं ऑडियो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, यहाँ से ऑडियो पहले मैं इसका हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिटेक्ट ऑडियो है, इस पर क्लिक करेंगे, इसका ऑडियो देखिए अलग हो गया है। अब नीचे वाला पे इस पर क्लिक करके मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और सॉरी एडिट में जाके इसको पहले अंडू करता हूँ। ये देखिए नीचे का जो है ये ऑडियो वाला को सिर्फ सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दिया। अब इसका ऑडियो नहीं है, अब ये जो क्लिप है इसका मुझे रिवर्स करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए स्पीड एंड ड्यूरेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिया है, कंट्रोल प्लस आर दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए कस्टम स्पीड का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ देखिए ड्यूरेशन दिया है, वीडियो क्लिप का ड्यूरेशन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया देखिए रिवर्स का एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने रिवर्स स्पीड कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जल्दी आपको करना है तो इसको बढ़ा दीजिएगा, तो थोड़ा फटाफट रिवर्स होगा। अब मैं इसको नहीं, जो नॉर्मल स्पीड है वही रखा है। अब यहाँ पे ओके का जो बटन दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ये देखिए हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके देखता हूँ कि हाँ ये हुआ है कि नहीं, देखिए मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, ये देखिए उल्टा की तरफ रिवर्स हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये देखिए उल्टा तरफ जा रहा है, देख सकते हैं ये देखिए रिवर्स हो चुका है, देखिए ये देखिए सब उल्टा तरफ जा रहा है, देख सकते हैं ये रिवर्स हो रहा है, देखिए ये देखिए उल्टा जा रहा है, देख सकते हैं भाई आगे जाना चाहिए सब उल्टा जा रहा है, देख सकते हैं रिवर्स हो गया, देख सकते हैं। और ये है आपका ओरिजिनल वीडियो जिसका मैंने रिवर्स किया हुआ था, इसको मैं स्टॉप किया। अब ओरिजिनल वाला देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल वाला वीडियो ये क्लिप है,
अब यहाँ पे ये देखिए, फिर से देखिए, ये आपका स्टार्टिंग वाला है, इसमें साउंड वगैरह है, स्टार्टिंग जा रहा है। देखिए ये जो क्लिप है इसी का मैंने रिवर्स किया हुआ है, देखिए ये आगे की तरफ जा रहा है, देखिए ये देखिए जा रहा है आगे की तरफ, ये जा रहा है। अब यहाँ से देखिए इस क्लिप को, यहाँ से देखिए इस जगह से देखिए, अब रिवर्स होगा यहाँ से, तो रेंडर होने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए अब रिवर्स होगा, ये देखिए अभी रिवर्स उल्टा तरफ जा रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए देखिए ये क्लिप है यहाँ पे, देखिए ये जा रहा है देखिए उल्टा तरफ। अगर आपको स्मूथ प्ले करना है तो उसको थोड़ा रेंडर करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड है, उसके बाद यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू, इसको इंटर देने से थोड़ा सा रेंडर होगा। ये देखिए क्रिएटिंग प्रीव्यू रेंडर फॉर स्मूथ प्लेबैक, थोड़ा सा समय लगेगा एस्टिमेट टाइम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, ये फ्रेम को रेंडर करेगा तो क्या होगा, स्मूथ चलेगा थोड़ा सा। अब देखो होने वाला है, देखिए ये देखिए क्रिएटिंग प्रीव्यू रेंडर फॉर स्मूथ प्लेबैक, सिंपल है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए ये देखिए अभी हो जाएगा, उसके बाद इसको प्ले देखिएगा तो रुकेगा नहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बस ये देखिए हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहले आप ये वाला देखिए रिवर्स वाला पोर्शन, ये देखिए सब पीछे की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं रिवर्स हो चुका है, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला वीडियो क्लिप को मैंने यहाँ से काट के इसको रिवर्स किया होता सब पीछे की तरफ, ये देखिए जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये देखिए रिवर्स हो रहा है। और ये है मेरा मेन क्लिप, ये वाला आपका मेन क्लिप था जिसका मैंने रिवर्स किया था, ये देखिए इसको भी प्ले करते हैं। अब स्टार्टिंग से मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए इसमें साउंड है, देखिए ये देखिए आगे की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए जा रहा है यहाँ से, देख सकते हैं। अब इसी वीडियो का हम लोगों ने रिवर्स किया है, ये देखिए अब ये क्लिप यहाँ से अब रिवर्स चालू होगा, ये देखिए देख सकते हैं उल्टा तरफ जा रहा है सब कुछ। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है रिवर्स वीडियो बनाना फिल्मोरा के अंदर, देखिए ये देख सकते हैं, ये देखिए रिवर्स जा रहा है, देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रिवर्स को ही रखना है तो सिंपली ये जो पहला वाला जिसका मेन वीडियो था इसको राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, तो सिर्फ हमारे पास ये रिवर्स वाला ही वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं फिर से प्ले करता हूँ, ये देखिए फिर से ये प्ले हो रहा, देख सकते हैं, ये देखिए बहुत इजी है, बहुत बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें रिवर्स वीडियो, ये देखिए उल्टा तरफ हो रहा है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं वंडर से फिल्मोरा का यूज़ कर रहा हूं और वो वर्सन है 10.1.20.15 का मैं यूज़ कर रहा हूं। तो आपके पास जो भी फिल्मोरा का वर्सन है कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग रिवर्स वीडियो बनाते हैं। और भी कुछ जानना है फिल्मोरा से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।